असल यूर साइंस एडोकेट सो स्टेंट्स मूइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक्सर दैट आर बैलेंसड डाइट एंड डेफिशंसी डिजीज फ्राम द चैप्टर कॉम्पोनेट्स ऑफ फूड सो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं किस बारे में बैलेंसड डाइट क्या होता है और डेफिशंसी डिजीज क्या होता है इसके बाद फिर हमारा चैप्टर जो है वो वो अलहमदिल्ला कम्प्लीट हो जाता है ठीक है स्टूडेंट्स तो चलिए हम देख लेते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है डाइट विच कंटेन्स ऑल द फूड न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट मेंटेन गुड गुड हेल्थ इट इंक्लूड सीरियल्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स मीट एक्स्ट्रा तो स्टूडेंट्स क्या होता है बैलेंस डाइट ये ऐसा डाइट होता है ये ऐसा डाइट होता है बैलेंस डाइट जिसमें क्या होता है सारे फूड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे फूड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन एक प्रॉपर मिकदार में एक राइट right अमाउंट में एक अच्छी मेदार में प्रेजेंट होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ना कि बहुत कम इवन कि बराबर अच्छे मकदार में एक राइट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एक डाइट में जो कि हम खाते हैं ठीक है ना ताकि हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे उसको बोलते हैं बैलेंसड डाइट क्या होता है बैलेंसड डाइट वो डाइट जिसमें सारे फूड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, होंगे लेकिन एक प्रॉपर मकदार में एक राइट अमाउंट में ठीक है ना समझ आया दिस कॉल्ड बैलेंस डाइट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगी होती हैं सीरियल्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स मीट एक्स्ट्रा अगर हम सारे जो चीज़ें खाएंगे ना ठीक है ना ये क्या होते हैं अगर हम सारी चीजें खाएंगे इसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो गुड रहेगी ठीक है ना समझ आया इसकी इसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी सो स्टूडेंट्स हम अब करते हैं बात किसकी जंक फूड की तो स्टूडेंट जंक फूड क्या होता है ये जो आप ये जो आप खाते रहते हैं दिन भर हर रोज खाते रहते हैं लाइक बर्गर्स लाइक पिज़्ज़ा लाइक चिप्स वगैरह चॉकलेट्स वगैरह ये सारा जंक में आता है जो कि आपको हर कोई उनके हर कोई एल्डर या पेरेंट्स हो टीचर्स हो हर कोई आपको बोलता है दैट तो ये जंक फूड मत खाओ मत खाओ ये जंक फूड क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो जाएगी इससे क्या होता है इससे लेजी फील हो जाता है हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं ठीक है ना डायबिटीज़ हो जा हो जाती हैं उनके हिसाब से मैं बोलूँगी आपको आप खुद समझो जंक फूड जो कि अनहेल्दी डाइट होती है अगर हम हेल्दी डाइट खाएंगे उसका तो फ़ायदा है ना कितना फायदा है बहुत फायदा है क्योंकि हमें हर कोई न्यूट्रिएंट मिल पाएगा और हमारी बॉडी को अच्छी से एनर्जी मिल पाएगी और हमें गुड फेल्थ गुड हेल्थ मिल जाएगी अगर आप अभी जंक फूड खाएंगे जो कि अनहेल्दी डाइट होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते ही नहीं है तो आप तो खुद समझो आपकी हालत क्या होगी इससे कि नहीं लेजी फील करोगे सुस्त फील करोगे हार्ट क्रिएट हो जाएंगी हो जाएंगी, अब बिल्कुल भी एग्जाम्पल आपको आपको बिल्कुल भी कोई मूड ही नहीं होगा कुछ काम करने के लिए लाइक ऐसा होता है अगर आप इसकी ऑपोजिट मानो अब अगर आप हेल्दी फूड खाओगे क्योंकि बैलेंसड डाइट होता है जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होंगे एक तो आपको हेल्दी फील होगा आप हेल्दी होंगे फुल ऑफ एनर्जी बहुत बिल्कुल भी सुस्ती नहीं होगी अच्छे से काम कर पाएंगे गुड मेमोरी अच्छी यादाश्त होगी आपके पास एक और हैप्पी मूड मतलब खुश खुश होंगे आप आपको मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई भी काम देंगे ना आप फौरन से उठ जाओगे हाँ भाई मैं ये काम कर दूंगा क्यों क्योंकि आपने आपने हेल्दी फूड खाया होगा अब अगर आपने जंक फूड या अनहेल्दी डाइट खाई होगी आपको कोई भी काम बोलेगा बोलेगा भैया मुझे मतलब एनर्जी नहीं है कुछ काम करने की मैं नहीं उठूंगा या मैं नहीं उठूंगी मुझे मूड ही नहीं है कुछ काम करने का ये किसकी वजह है ये वजह है आप अनहेल्दी अनहेल्दी डाइट खा ले रहे हो आप जंक फूड रहे हो यही वजह है आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं अगर अब आपको खुद समझ आएगा इतने स्मार्ट तो हो आप तो आपको ये समझ आए इधर हमें आप कौन सा फूड लेना है हमें हेल्दी डाइट लेनी है अनहेल्दी डाइट लेनी है बिल्कुल वेरी गुड तो आप आज से क्या करोगे आप बिल्कुल जंक अवॉइड करोगे और आप क्या आप क्या करोगे हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट करोगे जो कि बैलेंस डाइट होता है ठीक है स्टूडेंट्स वेरी गुड तो ये आप समझ गए बैलेंस डाइट क्या होता है अब आगे चलते हैं अब क्या बोलते हैं डेफिशंसी डिजीज क्या होते हैं लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रेंट और लॉन्ग पीरियड तो स्टूडेंट्स क्या होता है डेफिशंसी डिजीज न्यूट्रेंट एक या एक से ज्यादा अगर हमारे खाने में ज्यादा टाइम तक प्रेजेंट नहीं होंगे अगर हमारे खाने में ज्यादा टाइम तक एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होगा उसको बोलते हैं Deficiency, उसकी वजह से हो जाते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस ठीक है स्टूडेंट्स किससे अगर हमारे खाने में जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें अगर एक ही एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट ज़्यादा टाइम तक अब कभी लॉन्ग पीरियड तक प्रेजेंट नहीं होगा तो उसकी वजह से डेफिशेंसी डिजीज़ क्रिएट हो जाएंगी ठीक है स्टूडेंट्स लाइक वाइटामिन ए अगर हमारे डाइट में प्रेजेंट नहीं होगा खाने में प्रेजेंट नहीं होगा जिसकी वजह से लॉस ऑफ विजन होगा मतलब हमें अच्छे से दिखाई नहीं देगा मतलब आँख फॉर एग्जाम्पल मैंने मैंने आपको पहले ही बोला वाइटामिन की वजह से क्या हो जाता है हमारी जो आइज़ होती है ना अच्छी विजन हो जाती है हम अच्छे से देख पाते हैं क्लियरली देख पाते हैं तो क्या होगा अगर अब वाइटामिन ए फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट नहीं होगा जिसकी वजह से क्या होगा पुअर विजन हो जाएगी लॉस ऑफ विजन एट नाइट ठीक है ना लाइक विटामिन सी होगा स्कर उससे स्कर्वी हो सकता है अगर आप विटामिन सी प्रजेंट नहीं होगा खाने में जिसकी उसे स्कर्वी हो जाएगा मतलब यानी हमारे गम्स जो हमारे मसूड़े होते हैं ना ठीक है ना गम्स जो होते हैं उनसे क्या होगा खून निकल आएगा या हमारे जो वाउंड्स होंगे जो हमारे जख्म होंगे जहाँ पे चोट लगी होंगी वो जल्दी ठीक नहीं हो जाएंगे समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना तो क्या होगा डेफिशिएंसी डिजीज़ जिसकी वजह से क्या होगा वो किसकी वजह से हो जाता है अगर हमारी डाइट में अगर हमारे खाने में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रेंट जो होगा ज़्यादा काफ़ी टाइम से प्रेजेंट नहीं होगा तो आप स्टूडेंट्स खुद देखना आपके टेक्स्ट बुक पे जो टेबल नंबर टू पॉइंट थ्री है आपको उसमें सारे जो होंगे जो डेफिशिएंसी डिजीज का बिल्कुल टेबल बनाया होगा आपको बिल्कुल ये देखिए आप आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपके टेक्स्ट बुक पे टेबल बनाया हुआ है आपको फिर आराम से आपको क्या करना है आपको अपनी नोटबुक पे उतारना है ताकि आपको अच्छे से याद रह पाए तो समझ गया आप बैलेंस डाइट और आ, क्या होता है वेरी गुड तो स्टूडेंट इसके साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है ठीक है अब आप क्या करेंगे अब आपको क्या करना है इस टॉपिक से आपको क्या समझ आएगा समझ आ गया दैट आप क्या करेंगे आप हेल्दी डाइट लेंगे ठीक है ना हेल्दी डाइट लेंगे जो कि हम पेरेंट्स आपको बोलते रहते हैं आपके एल्डर्स आपको बोलते रहते हैं जंक फूड नहीं खाओ वो आपके फायदे के लिए बोलते हैं ना आपके फायदे के लिए बोलते हैं ताकि आप हेल्दी रह पाओ तो आपके आप फुल ऑफ एनर्जी रह पाए क्योंकि आप अभी छोटे हो हो के नहीं आप अभी छोटे हो आप अपने आप ओल्ड तो नहीं हो ना आप छोटे हो ना तो आपको अभी कितने काम करने हैं बहुत ज्यादा काम आपको करने तो इसके लिए आपको क्या करना है बिल्कुल जंक फूड अवॉइड करना है अनहेल्दी डाइट अवॉइड करनी और आपको हेल्दी फूड लेना है ठीक है स्टूडेंट्स तो इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तब तक आप ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज